शांति, समृद्धि, सिद्धि, शुद्धि, प्रसन्नता, प्रेम, करुणा और प्रेम, ये सारे रस आपके अंदर है। उसको उभारना है तो बस आपको ध्यानमय हो जाना है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते सभी को, आत्मवंदन। मेरा नाम है डॉक्टर मेखला कुलकर्णी और मैं नवी मुंबई नेरुल से आती हूँ। लास्ट 20 साल से मैं स्पिरिचुअल सीकर हूँ। यहाँ वहाँ सब जगह भटकने के बाद भी मेरी शांति नहीं हुई थी और मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा था और मुझे जो ढूंढ रही थी वो नहीं मिल रहा था। 2 साल पहले लॉकडाउन के दरम्यान, यूजुअली मैं माइंड ट्रेनर भी हूँ, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के भी मैं ट्रेनिंग्स लेती हूँ, और उसी वर्कशॉप के दौरान एक बहुत ही पढ़े लिखे IIT इंजीनियर, उन्होंने मुझे पूछा कि आपका स्पिरिचुअल गोल क्या है। और रियली मैंने स्पिरिचुअल गोल लिखा था कि मुझे कृष्णा कॉन्शियसनेस अटेंड करना है। तो मुझे उन्होंने पूछा कि कब तक करना है, मैंने बोला शायद मुझे 70 साल के बाद करना है। तो इतना बावजूद, मालूम होने के बावजूद भी मुझे ऐसे लगता था, ये स्पिरिचुअल मिथ है कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तभी हम अध्यात्म के लिए टाइम दे देंगे, ताकि मैं दे ही रही थी, लेकिन मेरा प्रायोरिटी अध्यात्म का और स्पिरिचुअल लाइफ का था, लेकिन इतना नहीं था। जब तक मैंने 2 साल पहले पत्री जी के JTTP यानी जर्नी टूवर्ड्स ट्रू पाथ, वो नाम ही इतना अट्रैक्ट करता है कि सत्य की ओर आपकी जर्नी, मैंने बोला चलो ये भी कर लेते हैं। और 2 साल पहले मैंने ज्वाइन किया और मैं उनको थैंक्स बोलती हूँ, वो IIT इंजीनियर मिस्टर अभय कुलकर्णी, उन्होंने मुझे बोला शायद आपका ये गोल जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने पहले जर्नी टूवर्ड्स ट्रू पाथ किया, उसके बाद में सेठ विजडम किया, इनर जर्नी किया और ये न्यू एनर्जी वर्कशॉप। ये करने के बाद क्या हुआ, मेरे चारों लेवल पे यानी बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल लेवल पे अनेक डिफरेंसेस हुए, जो मैं बताना चाहती हूँ। जो मैं 20 साल कर रही थी उसमें तो मुझे बहुत फ़ायदे मिले ही, लेकिन कहीं पे ठहराव नहीं हो रहा था। यहाँ पे मैंने देखा कि सिंपल टेक्निक है, और यहाँ पे मुझे वो ज़्यादा चीज़ अच्छी लगी कि जो मैं स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में जाती थी वहाँ पे थोड़ा कमर्शलाइजेशन होता था, नथिंग इज़ बैड, थैंक यू कि मुझे वहीं से बहुत सारे फ़ायदे मिले, लेकिन वहाँ पे कुछ हायरार्की होती थी। ये जर्नी टूवर्ड्स ट्रू पाथ एंड स्पेशली पिरामिड मेडिटेशन, पत्री जी एंड उनके जो भक्त लोग हैं, वहाँ पे मैंने देखा कि सब इक्वल लेवल पे है, कोई नहीं है, यू आर गॉड, आई एम गॉड। ये मुझे बहुत ही अट्रैक्ट किया और मुझे ऐसे लगा कि ये बहुत यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है और यहाँ पे बहुत ऑनेस्टी है, सब एक लेवल पे है और सिंपल, यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है। ये मुझे बहुत ताजुब हुआ, जहाँ पे मैंने 20 साल में बहुत सारे लाखों खर्च किए हैं स्पिरिचुअल का नॉलेज लेने के लिए, यहाँ पे ये सारा नॉलेज फ्री है। तो मैं सारे दर्शकों को बोलती हूँ कि आपने बहुत सारा किया होगा, लेकिन यहाँ पे आके वो अनुभव लेना कि जो फ्री है ये कोई नहीं दे सकता है, और आने के बाद में इतना बदलाव आपको आएगा। मुझे क्या मिला, बॉडी लेवल पे मैंने देखा मेरे में ठहराव आ गया, वो शांति आ गई। हार्ट लेवल पे मेरे अंदर से लव और कंपैशन की ज़्यादा जागरूकता हो गई। और क्या हो गया कि जैसे मेरे जो काम होते थे बहुत इजीली और एफर्टलेसली होने लगे। जो काम करने में मुझे ऐसे लगता था हाँ करेंगे, बाद में करेंगे, इसको बहुत टाइम लगता था, ये ध्यान करने के बाद में वो सारे काम इजीली होने लगे। कैसे हो गए मुझे पता नहीं। सोल लेवल पे क्या हो गया, मुझे मेरा लाइफ का पर्पस पता लग गया, एंड यहाँ पे वो जो तत्वमसी, आई एम क्रिएटर, आई एम गॉड, इसका एहसास हो गया, वननेस हो गया, वननेस विद द सेल्फ, वननेस विद एवरीवन, वननेस विद एवरीवन। और सामने वाले के जो दुख है, दर्द है, वो सामने देखते ही आंखों में आंसू आने लगे, ये महसूस होने लगा। और मैं तो सभी को बोलूँगी कि आपने स्वाध्याय करना चाहिए। मैं पहले से ही बुक पढ़ती थी, लेकिन ये स्पिरिचुअलिटी की बुक्स कम पढ़ती थी, वो ज़्यादा पढ़ने लगी। आप सज्जन सांगता कीजिए, सत्संग के लिए आपके पास इतने सारे अवेलेबल है, PMC चैनल है, हर एक लैंग्वेज में है, PMC हिंदी है, PMC ग्लोबल है, PMC इंग्लिश है, गुजराती है, पंजाबी है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं 24/7, ये आप कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद मैं 5 AM में उठती थी और हमेशा सोचती थी कि 3:30 AM ब्रह्म मुहूर्त में उठना है।
ओनली ये ध्यान करने के बाद में, मैंने शुरुआत तो पहले 20 मिनट से की थी, 30 मिनट से, यहाँ आने के बाद एक घंटा किया, एक घंटे से दो घंटा किया, अभी मैं हमेशा 10 बजे 10:30 बजे सो के 2:30 या 3 o'clock उठती हूँ। और इसी की वजह से मैंने फर्स्ट ब्रह्म मुहूर्ता क्लब दशहरे के हिसाब से किया है, जहाँ पे लोग आ रहे हैं, ये कैसे हो रहा, पहले भी सोचा था लेकिन कभी नहीं हुआ, ओनली यहाँ आने के बाद अपने आप ये होता चला गया। तो लॉट ऑफ मिराकल्स आर हैपनिंग, जस्ट यू हैव टू सरेंडर। मेरे अंदर क्या हो गया, निडरता, निर्णयता, निश्चयता, निश्चिंतता, दृढ़ मनोबल, मेरे अंदर आ गया आत्मज्ञान, आत्मबल और आत्मज्ञान, ये आने लगा। अगर आपको ये चाहिए, सुख, शांति, समृद्धि, सिद्धि, शुद्धि, प्रसन्नता, प्रेम, करुणा और प्रेम, ये सारे रस आपके अंदर है, उसको उभारना है तो बस आपको ध्यानमय हो जाना है। ये ध्यान जो है, यहाँ पे ही स्वर्ग है, ध्यानमय, अहिंसा मुक्त जीवन, शाकाहार जगत, और यहाँ पे सब कुछ धरती पर ही स्वर्ग है। और आपको सब्सक्राइब करना है मैगजीन्स को, जो ध्यान जगत हिंदी में है, स्पिरिचुअल साइंस एंड स्पिरिचुअल इंडिया जो इंग्लिश में है, चैनल्स को सब्सक्राइब करना है, और सबसे बढ़िया ये जो है धरती पर स्वर्ग ऋषिकेश में, ये जो योग ध्यान महाकुंभ हो रहा है यहाँ पे, मैं बोलूँ तो मैं बहुत अवॉइड कर रही थी, लेकिन मेरे 3 फ्रेंड्स ने बोला, उसके बाद मैंने बोला मुझे जाना चाहिए, और बहुत बड़े ज़बरदस्ती से आई। यहाँ आने के बाद में मुझे ऐसे लगा कि क्या है, हमेशा आना चाहिए, जैसे सबने महसूस किया धरती पर स्वर्ग है। यहाँ पे आप अपने आप में, मैं पहले मेडिटेशन करती थी ये भी, लेकिन यहाँ आने के बाद उसकी पावर 1000 साइम ज़्यादा हो गई है, 1000 टाइम्स मोर, इतने सानिध्य में। और जैसे ही हम आँख बंद कर देते हैं, अंदर डीप चले जाते हैं, और इसकी शांति जो है वो आप कभी भी महसूस नहीं करते, उसको आपको स्वर्ग में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये धरती पर। अगर आपको स्वर्ग को एहसास करना है तो बस आप पिरामिड जगत PMC को ज्वाइन कीजिए। ब्रह्मर्षि पत्री जी को मेरा आत्मवंदन, और सभी को आत्मवंदन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।